दोस्तों, भारत पे के फाउंडर अश्नीर ग्रोवर ने शार्क टैंक इंडिया पे ऐसी कौन सी बात बोली जिससे कि वो भारत पे से निकलने पे मजबूर हो सकते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत पे के फाउंडर एमडी मिस्टर अश्नीर ग्रोवर की, जो कि शार्क टैंक में यूज किए हुए कुछ वायरल स्लैंग्स और भारत पे से निकाल देने की नोटिस की वजह से अभी बहुत चर्चा में है। तो भारत पे से अश्नीर को मिली हुई नोटिस का शार्क टैंक इंडिया से क्या कनेक्शन है, वो जानने के लिए ये वीडियो एंड तक देखना। अभी न्यूज में ये बात काफी फैली हुई है कि अश्नीर को भारत पे के बोर्ड से, या यूं कहूं कि भारत पे से निकाल देने का नोटिस मिला है, और इस बात का शार्क टैंक इंडिया शो से कुछ कनेक्शन दिख रहा है। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है शार्क टैंक इंडिया के बारे में, तो मैं बता देता हूं। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे यंग एंटरप्रेन्योर्स, जो कि नए बिजनेसमैन होते हैं, अपना आइडिया लेके आते हैं, तो वहां पे इन्वेस्टर्स होते हैं जिनको शार्क बोला जाता है, तो वो उनके आइडिया में, उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो उन्हीं शार्क में से, उन्हीं इन्वेस्टर्स में से एक है अश्नीर, जिनकी हम बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, अश्नीर ने भारत पे से पहले कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट बैंकर के रोल पे काम किया है। उसके बाद उन्होंने ग्रोफर्स को एज ए CFO यानी चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर ज्वाइन किया था। अगर हम बात करें अश्नीर के भारत पे की जर्नी की, तो अश्नीर और शाश्वत नकरानी दोनों ने मिलकर 2018 में भारत पे शुरू किया था। अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूं कि भारत पे एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है जो कि किराना स्टोर्स और छोटे मर्चेंट्स को QR कोड्स और कार्ड स्वाइप मशीन्स और ऐसे ही कुछ फिनटेक प्रोडक्ट्स ऑफर करता है। भारत पे का ये QR कोड सिस्टम छोटे मर्चेंट्स का बेस्ट फ्रेंड माना जाता है। सिंपली बात यह है कि कोई भी कस्टमर किसी भी ऑनलाइन एप्लीकेशन से UPI से पेमेंट करना चाहे, तो वो मर्चेंट्स के पास अवेलेबल भारत पे का ऑल इन वन जो QR कोड होता है, उसको यूज करके वो इजीली पेमेंट कर सकता है। ये कस्टमर्स की पेमेंट का कोड कैप्चर करके उनकी पेमेंट मर्चेंट्स तक पहुंचा देता है। और 2021 में भारत पे इंडिया के यूनिकॉर्न बिजनेसेस में से एक बन गया है। उस टाइम पर कंपनी की वैल्यूएशन $2.85 बिलियन लगाई गई थी। बहुत कम ऐसी कंपनीज होती हैं जो इतने कम टाइम में यूनिकॉर्न लिस्ट में आ जाती हैं, मतलब कि जिसकी वैल्यूएशन $1 बिलियन से ज्यादा हो जाती है, उसे यूनिकॉर्न बोला जाता है। और अभी की बात करें तो भारत पे की वैल्यूएशन कुछ $2.8 बिलियन के अराउंड होगी, और कंपनी में अश्नीर का 9.5% स्टेक है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अश्नीर की वाइफ मिसिज माधुरी जैन ग्रोवर भी उसी कंपनी में हेड ऑफ कंट्रोल्स की पोजीशन पे है। चलिए अब बात करते हैं अश्नीर की शार्क टैंक इंडिया की जर्नी की। शार्क टैंक इंडिया एक ऐसा शो है जिसने इंटरनेट पे काफी हाइप क्रिएट की हुई है। जो शार्क टैंक के बारे में नहीं जानते, उनको मैंने पहले भी बताया, थोड़ा डिटेल में बता देता हूं कि शार्क टैंक इंडिया एक टीवी पे आने वाला बिजनेस रियलिटी शो था, जिसमें इंडिया के एंटरप्रेन्योर्स अपना बिजनेस आइडिया और बिजनेस मॉडल शो करके जजेस यानी कि जो शार्क्स हैं उनके सामने प्रेजेंट करते हैं, और शार्क्स को उनके बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए कन्विंस करते हैं। इस शो का पहला सीजन रिसेंटली ही खत्म हुआ है। तो शार्क टैंक शो के बाद अश्नीर बहुत ही चर्चा में है, और उनकी बोली हुई कुछ बातों के मीम्स भी काफी वायरल हो रहे हैं, खास करके ये वाला। मेरे को नहीं लगता टैलेंटेड आप बहुत हो, फ्रैंकली बहुत ही गंदा फैशन है ये। बट नहीं, आई बिलीव इन द आइडिया दैट यू आर बिल्डिंग। मेरे को लगता है बंद कर दो, आप मम्मी के साथ बैठ के एक लहंगा बेच लोगे, 2 लाख का बिक जाएगा। आप क्यों अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो? आप क्या बहुत ज्यादा पीते हो क्या? मतलब ये आइडिया भी आपके दिमाग में आया कैसे कि मैं ग्लास को मास्क पहनाऊंगा? तो कुछ इस तरह से अश्नीर शार्क टैंक में अपने स्ट्रॉन्ग और स्ट्रेट फॉरवर्ड पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से लोगों की नजरों में छाए हुए हैं। शार्क टैंक इंडिया से टोटल 67 बिजनेसेस को अलग अलग शार्क से इन्वेस्टमेंट मिली है। इन 67 डील्स में से 21 बिजनेसेस ऐसे थे जहां अश्नीर ने इन्वेस्ट किया। अश्नीर ने जिस जिस बिजनेस में इन्वेस्ट किया, उसमें से कुछ है स्कीपी, आइस पॉप्स, गेट ए वे शुगर फ्री आइसक्रीम, AAS विद्यालय एडटेक ऐप, द यार्न बाजार एटसेट्रा।
इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा अश्नीर अपने एटीट्यूड की वजह से पॉपुलर रहे। कुछ कुछ लोगों को उनका ये स्ट्रेट फॉरवर्ड एटीट्यूड बहुत पसंद आया, तो कुछ लोग तो उनको एंग्री मैन और डेंजरस शार्क भी बुलाते हैं। इंटरनेट तो जैसे भरा पड़ा है अश्नीर के एंग्री मोमेंट से। कुछ लोगों को तो अश्नीर ने ये तक बोल दिया कि आप ये धंधा बंद कर दो, आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, कुछ इस तरह से। बेटा तुमसे ना हो पाएगा, हमें तुम्हारे लक्षण बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा है, तुमसे ना हो पाएगा। तो गाइस अब आ चुका है वो वाला पार्ट जहां पे हमें ये पता चलेगा कि शार्क टैंक इंडिया से इस चीज का क्या रिलेशन है कि अश्नीर के भारत पे के साथ कनेक्शंस खराब हुए हैं। तो गाइस ऐसे ही शोज में एक इंसिडेंट हुआ जब एक फीमेल एंटरप्रेन्योर अपनी पिच दे रही थी, जिसकी बातों से गुस्सा होकर अश्नीर ने कुछ ऐसा बोल दिया जो कि उनकी भारत पे से निकलने की वजह हो सकती है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि गुड गुड पिगी नाम के एक बिजनेस की पिच चल रही थी, यानी वो अपना आइडिया प्रेजेंट कर रहे थे और अश्नीर को उस यंग फीमेल एंटरप्रेन्योर की बातें बड़ी बड़ी लग रही थी। अश्नीर ने उसको बोला कि सिर्फ इंग्लिश और जार्गन्स बोलने से धंधा नहीं होता, आपको बहुत काम करने की जरूरत है। और उस बात पर जब वो लड़की ने बोला कि मैंने ग्राउंड अप वर्क करा है, तब अश्नीर को और गुस्सा आया। उन्होंने बोला कि 25 साल में कौन सा ग्राउंड अप वर्क हो जाता है। ग्राउंड अप वर्क मतलब कि पूरा वर्क ऊपर से लेकर नीचे तक। और अब आती है वो बात जो अश्नीर ने बोली जो कि उनके भारत पे से निकल जाने की वजह हो सकती है। उन्होंने बोला कि मेरा को-फाउंडर भी 25 साल का है, अगर वो ऐसा कुछ बोल दे तो उसकी खटिया खड़ी कर दूं मैं। तो दोस्तों हो सकता है कि अश्नीर का गुस्से में अपने को-फाउंडर के बारे में ऐसा बोलना उनकी भारत पे से निकलने का रीजन बन सकता है। दोस्तों शार्क टैंक इंडिया और ऐसे ही हॉर्सेस टेबल भी एक इसी तरह का शो है, रियलिटी फंडिंग शो है, जिसमें कि नए नए बिजनेसमैन जो एंटरप्रेन्योर जिनको हम बोलते हैं वो आते हैं अपना आइडिया लेके, और उनका अगर आइडिया जेन्युइन होता है तो उनको फंडिंग भी मिलती है और उनको मेंटरशिप भी मिलती है। जिन लोगों ने ऑलरेडी बिजनेस किया हुआ है तो वो लोग उनको गाइड करते हैं, उनकी हैंड होल्डिंग करके आगे लेके जाते हैं। तो गाइस ये चीज़ बहुत ही इंटरेस्टिंग हो रही है आजकल इंडिया में। तो इस इंटरेस्टिंग जर्नी का पार्ट बनने के लिए अगर आपका भी कोई बिजनेस आइडिया है, बहुत टाइम से आप वेट कर रहे थे कि मैं इसको कैसे फंडिंग लूँ, कहाँ पे जाऊँ, तो अब वो टाइम आ चुका है। आपके लिए चीज़ें बहुत ईजी हो गई हैं, आप इन शोज में अपना आइडिया लेके जा सकते हैं जहाँ पे आपको लाइव फंडिंग तो मिलेगी ही मिलेगी अगर आपका आइडिया में दम होगा डेफिनेटली। और इसके साथ साथ आपको मेंटरशिप मिलेगी, आपके ब्रांड की प्रमोशन भी हो जाएगी। अगर आप इन शोज के व्यूअरशिप देखोगे ना तो इतने सारे लोगों को अवेयरनेस भी होगी कि आप भी मार्केट में एग्जिस्ट करते हैं। बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे थे जब भी मैं ये शोज देख रहा था तो जो कि ऑलरेडी मार्केट में है, जो कि सेल हो रही है, बट हमें उनके बारे में पता ही नहीं है। तो एक तरह से ये विन विन सिचुएशन है, लोगों को भी अवेयरनेस मिलती है और ब्रांड के लिए ये फायदा है, एंटरप्रेन्योर के लिए ये फायदा है कि उसकी मार्केटिंग हो रही है, उसकी प्रमोशन हो रही है। तो इवन अगर आपको फंडिंग नहीं भी मिलती है तो भी आपके ब्रांड की अवेयरनेस तो एटलीस्ट चली जाएगी, ये तो पता चल जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं और आप धीरे धीरे उसमें इंप्रूवमेंट करके मेंटरशिप लेके और अच्छे से अपना बिजनेस बना सकते हैं। इसी तरह की एक और इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप स्क्रीन पे आ रही वीडियो पे क्लिक करके देख सकते हैं। और अगर आपको वो एपिसोड देखना है जिसकी हम बात कर रहे हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फॉर गिविंग योर टाइम।